हाय एवरीवन, स्वागत है आपका रसोई विद गपशप में। आज हम बनाएंगे मेथी मटर पुलाव। और उसके लिए हमने ले लिए मेथी, हमने धोकर छांट कर थोड़ी काट ली है। मटर ले लिए हैं छिले हुए, साथ ही में हमने दो हरी मिर्ची ले ली है। इसके हम बनाएंगे हरा प्याज और हरे लहसुन के साथ। साथ में हमने अपने एक कटोरी चावल भिगो के रख दिए। चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। पैन चढ़ा दिया हमने और हमने सरसों का तेल लिया है इसके अंदर, जिसको एक बार अच्छे से गर्म करके थोड़ा ठंडा कर लिया है। अब इसमें डाल रहे हैं हम हमारा कटा हुआ हरा लहसुन। बहुत ही बढ़िया पुलाव बन के तैयार होता है। और आजकल सर्दियों में वह हरा लहसुन हरा प्याज बहुत आता है, तो उससे ये पुलाव बना के एक बार ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बनता है। एक दो मिनट चला लेते हैं इसको, साथ ही में हम डाल देंगे हरा प्याज। बहुत ही हेल्दी न्यूट्रिशियस पुलाव बन के तैयार होता है। भून लेते हैं इसको एक दो मिनट। प्याज को थोड़ा सौते कर लिया है हमने। इसके साथ ही हम डाल देंगे हमारी कटी हुई मेथी। मेथी को अच्छी तरह से 5-7 मिनट प्याज और लहसुन के साथ भून लेंगे। मेथी को अच्छी तरह से भूनने से इसका फ्लेवर भी इन्हेंस होता है और थोड़ी इसकी कड़वाहट भी कम हो जाएगी। देखिए मेथी हमने भूननी है अच्छी तरह से, 5-7 मिनट लगातार चलाते हुए तेज आंच पे हमने इसको भून लिया। इसमें डाल देंगे हम मटर और ये दो मैंने हरी मिर्ची साथ में काट रखी है। मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। मटर भी हमने एक दो मिनट भून लिए हैं। इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच धनिया, 1/4 चम्मच काली मिर्ची और 1 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। देखिए मसाले भी मिक्स हो गए अच्छी तरह से। हमने ये एक कटोरी चावल लिए थे और हम इसमें 2 कटोरी पानी डाल देंगे। उबाल आने देंगे एक। ये देखिए उबाला आ गया। इसके अंदर हम अपने चावल डाल देंगे, जिसको हमने धो के 10-15 मिनट के लिए सोक कर लिया था। एक उबाला आ जाए इसमें, ये देखिए उबाला आ गया अच्छी तरह से। एक मिक्स देकर गैस को सिम कर देते हैं और इसको ढककर 5-7 मिनट के लिए कुक होने देते हैं। फिर एक बार इसको बीच में चला लेंगे। ये देखिए 7-8 मिनट हो गए हैं। एक बार हम इसमें बीच में चला लेते हैं इसको। हल्के हाथ से चलाएंगे ताकि चावल टूटे नहीं हमारे, और सब्जी भी ऊपर ऊपर आ जाती है तो इस तरह से हिलाने से क्या है, ऊपर नीचे सब जगह एक सार हो जाती है। इस वक्त इसमें डाल देंगे हम हरा धनिया। इससे क्या है, पुलाव के अंदर धनिया का फ्लेवर अच्छे से अंदर इसके चला जाएगा। बंद कर देते हैं और 5 मिनट के लिए इसको और कुक होने देते हैं। ये देखिए 5-7 मिनट हमने और कुक कर लिया, गैस बंद कर दी है। देखिए बढ़िया से हमारे मेथी मटर पुलाव बन के तैयार हैं। बहुत ही बढ़िया बने हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। 1 पॉट मील है, कुछ और मिलाने की ज़रूरत नहीं। दही के साथ, पापड़ के साथ, अचार के साथ, जिसके साथ आपको पसंद हो एंजॉय करें गर्मा गर्म। एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। तो प्लेटिंग कर लेते हैं इसकी। ये देखिए बहुत ही बढ़िया से हमारे मेथी मटर पुलाव बन के तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी बने हैं। एक बार ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई करें और इन्जॉय करें। तो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक बाय, खुश रहिए।